आप काशी मोटा रहने वाले हैं और कलकत्ता में रहते थे, और प्रभु के भवन में आए और जी किसका लकवा मार दिया था? आपको लकवा मार दिया था और यही बेहोश हो गया। देखिए परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं। काशीपुर घर हुआ दीरा, गंगा के नदी है और भाई को लकवा मार दिया था, इसाके बेहोश हो गया था और बोलता भी नहीं था और उठता चलता फिरता भी नहीं था। जब फोन गया कॉल गया, हम प्रार्थना किए और उनको हम बोले जल और तेल पिलाइए और हम प्रार्थना में लगे हुए हैं। और जब इस भाई को जल पिलाया गया, तेल लगाया गया और प्रार्थना हम किए, ये भाई बोलने लगा, चलने लगा, चलकर आकर परमेश्वर का भवन में खड़े होकर गवाही दे रहे हैं। पिता कितना महान है, लकवा का शिकायत का बीमारी को तुरंत दूर कर दिए। महान पिता का जोरदार ताली से परमेश्वर का भवन में आए, कुछ आराम हुआ, पेट वाला आराम हुआ। महान पिता का जोरदार ताली। क्या नाम? हाँ प्रभु का जीवन काम के आपका बेटी का बाबा सिर था, आप पूरा ठीक हो गया, बाबा सिर गायब हो गया। आपका पति भी सुधार है, बहुत हाल खराब था, डॉक्टर काट दिया था, पटना तक इलाज कर रहा, परमेश्वर उनको चंगा कर रहे हैं। और इनकी बेटी को बवासीर का बीमारी ठीक हो गया, इनका पति का भी ठीक हो रहा है। उस महान पिता को जोरदार ताली से स्वागत करिए। देखिए इस भाई का घर हुआ बरौनी और पांच बार से आ रहे हैं, सात बार से आ रहे हैं और परमेश्वर इनका पेट में बहुत बड़ा घाव दिए थे, पूरा शरीर में ही घाव था, पूरा देख लीजिए, धब्बा धब्बा धब्बा, पूरा शरीर बर्बाद हो गया। देखिए देखिए परमेश्वर कितना चमत्कार किए हैं कि पूरा शरीर का घाव को ठीक कर दिए, भाई को चंगा कर दिए। भाई आपके सामने में है और भाई झूठ भी बोलते हैं ना, इसलिए दिखा रहे, झूठ भी मैं बोल रहे, दिखा भी रहे हैं कि मेरा कितना डॉक्टर से इलाज करवा कर थक गए हैं। भाई बोल रहे हैं प्रभु चंगा किए, वो जिंदा परमेश्वर यीशु प्रभु है। महान पिता का जोरदार ताली से स्वागत है। प्रभु आपको जीवन में क्या काम है? देह फुलल रहे हैं, पॉइंट तो आपका देह फुला हुआ था, शरीर से पानी का था, प्रभु के भवन में आए तो पानी चलना बंद हो गया। महान पिता का जोरदार ताली। क्या नाम हुआ? पिता देव। क्या प्रभु जीवन में काम किए? मेरा भवन चढ़ा दो, वो विशेष है, जितना पहुँचते हैं बहुत लिया है, रंग दे दी जाए ऐसा लगा सुधार है। और मेरा बेटा उस दवा से हो गया है, प्रभु पिता से नाम लेकर जल दे रहे हैं, अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए इस बहन बोल रही है कि बहुत दिन से चमर रोग है, परमेश्वर ठीक कर रहे हैं, इनका बेटा बहुत सीरियस हो गया था, डॉक्टर भी काट दिया था और प्रभु का जल और तेल लगाई, प्रार्थना की और परमेश्वर पिता इनके बेटा को ठीक कर दिए हैं और दवाई दे रही है। महान पिता का जोरदार था। देखिए इस बहन को घुटना धर दिया था, उठा बैठा नहीं जा रहा था, प्रभु के भवन में आए, इस बहन को घुटना ठीक हो गया है। महान पिता का जोरदार ताली।
देखिए इस महान को बीमारी था, दूसरा जा जाकर उसका बीमारी ठीक हुआ है, बहन बधाई दे रही है, महान पिता का जोड़ा तीनों बीमारी आ रहा है, महान पिता का जोड़ा देखिए देखिए डॉक्टर ने इनको बताया कि पेट में कैंसर है और बहुत इलाज करवाए फिर भी पेट का दर्द नहीं खत्म हुआ। डॉक्टर अंतिम में साबित कर दिए कि पेट में कैंसर हो गया और जब से प्रभु के भवन में आई जल और तेल पी लगाई और प्रार्थना की इनका आराम हो गया, कैंसर का बीमारी चली गई। इसी के नाम से महान पिता का जोड़ा बीमारी बताइए पूरे दिन माता का वेतन के भय है यीशु प्रभु का ही तो प्रभु ठीक कर दिया दोनों बीमारी। महान पिता का जय माता को घर है और गिर गई थी मोटा मोटा का फूल का कितना दिन से था? तीन महीना से था। दवा उवा नहीं सेक किया और प्रभु के भवन में आए सारा चीज ठीक हो गया। तीन महीना में दवा भी नहीं खाते है ठीक भी हो गए। महान पिता का जोरदार बहलरिया घर बोलिए ना बन गए पिता परमेश्वर के नाम से कौन चीज था अपने कोई चीज जाँच में नहीं निकले है कुछ न अल्ट्रासाउंड सब चीज सीटी जाँच करे कुछ नहीं निकले कुछ भी नहीं निकलता था चेक में कुछ और बीमार रहती थी हाँ। और प्रभु के भवन में आए तो ठीक हो गई। महान पिता का जोड़ा कुछ अगर बीमारी कम है प्रार्थना करते करते कल परमेश्वर आपका 3,000 रुपया बाली टीका मिला दिया उसी के खुशी में बधाई दे रहे महान पिता का जोरदार और आपको जीवन में बहुत मतलब बीमारी और प्रभु के भवन में आए ठीक हो गए। महान पिता का जोरदार देखिए इस माता को बहुत दिन से सिर में दर्द होता था बहुत इलाज करवाई फिर भी नहीं ठीक हुआ और प्रभु के भवन में आना चालू की इनका सिर का दर्द गायब हो गया। माता दवाई दे रही है महान पिता का जोरदार ताली से जोरदार।